Once again, welcome you on the digital classes of Sadbhavana Public School, Bade Wonder. We learn English course book of class 3 of lesson 5. The topic is part of speech. Let's we start our topic, parts of speech. Parts of speech. इसको हिंदी में शब्द के भेद बोला जाता है. हम हमारे लेसन्स को आज पढ़ते हैं. पार्ट ऑफ स्पीच मीन्स व्हाटएवर वी स्पीक और टॉक. व्हेन वी टॉक वी यूज सेंटेंसेस. इस सेंटेंसेस इज मेड अप ऑफ वर्ड्स. द वर्ड यूज इन दिस सेंटेंस फॉल इनटू एट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब जो होता है जो हम कहते या बात करते हैं. जो हम बोलते हैं और बात करते हैं हैं वो सब सभी क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं. जब वी टॉक वी यूज सेंटेंस. जब हम बात करते हैं तो हम सेंटेंस का उपयोग करते हैं, वाक्यों का उपयोग करते हैं. इस सेंटेंस इज मेड अप ऑफ वर्ड्स. और सभी सेंटेंस जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, मेड अप वर्ड्स. वो जो है शब्दों से बने होते हैं. बहुत सारे शब्द जो है मिलकर एक सेंटेंस बनते हैं, ये हम जानते ही हैं. द वर्ड यूज इन दिस सेंटेंस फॉल इनटू एट पार्ट ऑफ स्पीच. लेकिन हम ये जानते हैं क्या कि उस सेंटेंस में जितने शब्द हैं, उस सेंटेंस में जितने वर्ड हैं, वो सभी जो है आठ पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जितने भी सेंटेंस होते हैं वो जो है इन्हीं एट पार्ट्स के अंदर आते हैं. वो एट पार्ट्स कौन कौन से हैं हम अभी देखते हैं. वो एट पार्ट्स हैं नाउन, जिसे हिंदी में संज्ञा बोलते हैं. प्रोनाउन, जिसे हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं. एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में विशेषण बोलते हैं. वर्ब, जिसे हिंदी में क्रिया बोलते हैं. एडवर्ब, जिसे हम हिंदी में क्रिया विशेषण बोलते हैं. प्रीपोजिशन, जिसे हम हिंदी में संबंध सूचक अव्यय कहते हैं. कंजक्शन को हिंदी में संयोजक कहा जाता है. और इंटरजेक्शन को विस्मयादि बोधक के नाम से हम जानते हैं. ये आठ जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सभी वर्ड्स इन्हीं आठ पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कुछ न कुछ जरूर होता है. तो हम जो है आगे बढ़ते हैं और ये आठ पार्ट ऑफ स्पीच के डेफिनेशन और उसके एग्जांपल को देखते हैं. बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत बड़ी टॉपिक है. अभी आपने क्लास थर्ड में केवल इसके बेसिक को जानेंगे. क्लास थर्ड में हमको जो है याद करने वाला चैप्टर है ये. क्लास थर्ड में हम केवल इसके डेफिनेशन और इसके एग्जांपल को ही पढ़ेंगे. इसको कैसे यूज़ करना है और इसको कहाँ पर यूज़ करते हैं. जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ते जाएगी, क्लास फोर्थ में जाएंगे, क्लास फाइव में जाएंगे, क्लास सिक्स में जाएंगे, तब जो है धीरे धीरे इन टॉपिक को हम आगे बढ़ाते जाएंगे. क्लास थर्ड में केवल इनके डेफिनेशन और इसके कुछ एग्जांपल जो कि आपके बुक में दिए हैं इतने को ही पढ़ेंगे. इनके डेफिनेशन को हमको याद रखना ही है. डेफिनेशन को याद रखने के लिए जरूरी है. तो हम पढ़ते हैं. सबसे पहले नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं. नाउन को हिंदी में बोला जाता है संज्ञा. अब संज्ञा किसे कहते हैं देखते हैं. संज्ञा, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. नाउन क्या होता है. नाउन जो है नाम होता है किसी पर्सन का, किसी व्यक्ति का, किसी प्लेस का. प्लेस मीन्स होता है जगह का. किसी एनिमल का, एनिमल मीन्स होता है जानवरों का. थिंग मीन्स होता है चीज़ों का. तो हम ये कह सकते हैं
संज्ञा जो होता है किसी व्यक्ति, किसी जगह, किसी जानवर या किसी चीज़ों के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है द रामायण। रामायण क्या है? एक पुस्तक का नाम है, एक चीज़ का नाम है। गर्ल, गर्ल क्या है? लड़की है। लड़की क्या है? एक पर्सन है। डॉग, डॉग क्या है? एक एनिमल है। दिल्ली, दिल्ली क्या है? एक प्लेस है, एक जगह है। वॉच क्या है? एक चीज़ें हैं, एक थिंग है। सिटी, सिटी क्या है? जगह है। रिवर, रिवर क्या है? नदी, नदी एक जगह है। पेन, पेन क्या है? एक वस्तु है, एक चीज़ है। पेंसिल क्या है? एक वस्तु है, एक चीज़ है। तो बच्चों ये अभी हो गया नाउन। नाउन, नाउन का डेफिनेशन, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। एग्जाम्पल द रामायण, गर्ल्स, डॉग, डेली, वॉच, सिटी, रिवर, पेन एक्सेट्रा, ये सभी क्या है? नाउन्स होते हैं। आगे जो है हम देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन हम किसे कहते हैं? प्रोनाउन, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन जो है उस शब्द को कहते हैं जिस शब्द का उपयोग हम किसी नाउन के जगह पर करते हैं। अगर किसी नाउन के जगह पर हम किसी दूसरे शब्दों का अगर उपयोग करते हैं तो जो है हम उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल ये लेते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं हिंदी में एक वाक्य लिख रहा हूं। राम घर में है, ठीक है, ये एक वाक्य है। आपको किसी ने एक क्वेश्चन पूछा है ना, राम आपका दोस्त है, आपको पता है राम घर में है। तो आपको किसी ने आया और पूछे क्या आपको पता है राम कहाँ पर है, तो आप कहते हैं वह घर में है। आप कहते हैं वह घर में है। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस क्या है, राम घर में है और हमने क्या कहा, वह घर में है। हमने यहाँ पर क्या किया, राम की जगह पर वह का उपयोग किया। तो राम क्या है, एक नाउन है, एक संज्ञा है, बट लेकिन हम राम के जगह वह जो यूज किया, वह शब्द का जो उपयोग किया, ये जो है ये क्या है, ये जो है प्रोनाउन है, सर्वनाम है, ठीक है। इसी सेंटेंस को इंग्लिश में लिखते हैं, राम इज इन द होम, ठीक है, राम इज इन द होम, राम घर पर है। इसी को हम लिखेंगे अगर तो क्या लिखेंगे, ही इज इन द होम। तो ये जो राम जो है, राम क्या है, एक नाउन है, हम राम के जगह में ही का उपयोग किए तो ये ही क्या है, एक प्रोनाउन है। तो इस तरह से हम प्रोनाउन का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो प्रोनाउन के जो एग्जांपल है, ही इट, सी, यू, दे, देम, दोस, वी, हिम, ये सभी जो वर्ड्स हैं ये जो है एग्जांपल ऑफ अ प्रोनाउन, ठीक है। तो प्रोनाउन का डेफिनेशन, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन, ठीक है। प्रोनाउन उस शब्द को कहते हैं जो नाउन की जगह पर लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हम किसे कहते हैं?
एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ पर देखिए डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन। ठीक है, एडजेक्टिव उस शब्द को कहते हैं, एडजेक्टिव उस वर्ड को कहते हैं जो कि किसी नाउन या फिर प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, कोई नाउन या फिर कोई प्रोनाउन का विशेषता बताए। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहीं पर लिखता हूं, राम इज अ बॉय। ठीक है, राम क्या है, राम एक लड़का है। यहां पर देखिए दूसरा इसी एग्जाम्पल को मैं लिखता हूं, राम इज अ गुड बॉय। यहां पर देखिए पहले शब्द में राम इज अ बॉय क्या है, राम एक लड़का है, और दूसरे शब्द में देखिए इसी सेंटेंस को राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, पहले सेंटेंस में राम क्या था, केवल एक लड़का ही था, लेकिन दूसरे शब्द में क्या था, क्या है, राम इज अ गुड बॉय, राम क्या है, एक अच्छा लड़का है। ठीक है, यहां पर देखिए जो बॉय है, बॉय क्या है, एक नाउन है, इसको विशेषता कौन क्या बता रहा है, इसकी विशेषता क्या है कि गुड, तो ये जो गुड वर्ड है, ये गुड जो है हमारा एडजेक्टिव है जो कि किसी नाउन की विशेषता बताता है। तो इसी तरह से और जो एडजेक्टिव के जो एग्जांपल हैं, गुड अच्छा, टॉल लंबा, बेड गंदा, स्मॉल छोटा, बिग बड़ा, स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट, सॉफ्ट मीन्स मुलायम, कोल्ड मीन्स ठंडा, सॉफ्ट मीन्स छोटा, इस तरह हमने एडजेक्टिव भी पढ़ लिए। एडजेक्टिव का डेफिनेशन होता है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन, ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बच्चों अब हम देखते हैं वर्ब, वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब देखिए एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, सभी एक्शन वर्ड को क्या बोलते हैं, वर्ब कहते हैं, ऐसा वर्ड जो किसी चीज को करने के लिए कहे उसे वर्ब कहते हैं। यहाँ देखिए गो, गो मीन्स होता है जाना, गो बोलने से जाने को कह रहा है। कम, कम मीन्स आना, आने को कह रहा है। राइट, राइट मीन्स लिखना। रीड, रीड मीन्स पढ़ना। ईट, ईट मीन्स खाना। ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स पीना। रन, रन मीन्स दौड़ना। प्ले, प्ले मीन्स खेलना। स्लीप, स्लीप मीन्स सोना। तो ऐसे सभी वर्ड्स जिसमें किसी चीज़ों को कहने करने के लिए बोला जाता है वो जो है वर्ब या फिर क्रिया कहलाता है। यहाँ पर देखेंगे जितने भी वर्ब्स होंगे उन वर्ब्स का जो हिंदी मीनिंग होगा उसके लास्ट में ना वर्ड जरूर आएगा, जैसे गो जाना, कम आना, राइट लिखना, रीड पढ़ना, ईट खाना, ड्रिंक पीना, रन दौड़ना, प्ले खेलना, स्लीप सोना, इन सभी वर्ड्स के जो हिंदी मीनिंग्स हो रहे हैं उसमें के लास्ट में ना आ रहा है। तो इस तरह से भी हम जान सकते हैं कि ये जो वर्ड्स है ये जो है वर्ब के अंतर्गत आएगा। बच्चों हम अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं बच्चों अभी हम देखते हैं एडवर्ब, एडवर्ब किसे कहते हैं। एन एडवर्ब इज द वर्ड विच मॉडिफाई वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब जो है उस शब्द को कहते हैं जो कि किसी वर्ब को या फिर किसी एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को जो है संशोधित कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे कि
यहाँ पर एक साइड में जो पेटल में जो एग्जांपल है उसमें देखते हैं स्लोली, है ना। अगर एक वर्ब जो है मान लेते हैं गो, है ना, गो क्या है, एक वर्ब है, उसको गो स्लोली अगर बोल दें तो क्या करेगा, गो मीन तो जाना, लेकिन स्लोली अगर उसमें ऐड कर देंगे तो धीरे धीरे जाओ, है ना। वैसे ही स्लोली, हार्डली, नेवर, ऑफ्टन, लाइटली, स्मार्टली, रेयरली, स्विफ्टली, क्विकली, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये जो है एडवर्ब के एग्जांपल हैं। एडवर्ब जो है किसी भी वर्ब को जो है मॉडिफाई कर देते हैं, संशोधित कर देते हैं, किसी एडजेक्टिव को संशोधित कर देते हैं या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को भी संशोधित कर देते हैं। आगे देखते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हम किसे कहते हैं, ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसे कहा जाता है, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच शो रिलेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन विथ अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। प्रीपोजिशन हम उस शब्द को कहते हैं जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध उसी सेंटेंस के दूसरे वर्ड के साथ करते हैं। सेंटेंस में मैं जो प्रीपोजिशन यूज होते हैं उनके एग्जाम्पल हैं ऑन, इन, बाय, फॉर, सिंस, फॉर, टू, विद, इनटू, ये सभी चीज़ें जो है प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल हैं। बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है कंजक्शन, ठीक है। कंजक्शन को हिंदी में संयोजक बोला जाता है। तो उसका जो डेफिनेशन है, एक कंजक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड, हम उन वर्ड्स को जो है कंजक्शन कहते हैं जो कि एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं। वो जो वर्ड्स हैं बट, इफ, अनलेस, और, एंड, नॉर, सिंस, आल्दो, बिकॉज, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये जो है हमारे कंजक्शन के एग्जांपल होते हैं। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और आगे लास्ट जो है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच इंटरजेक्शन को देखते हैं। इंटरजेक्शन किसे कहते हैं, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग। इंटरजेक्शन जो है हम उस शब्द को कहते हैं जो कि सडन फीलिंग, है ना, जो कि हमको अचानक का जो अनुभव को जो है व्यक्त करते हैं। सडन फीलिंग मीन्स अचानक का अनुभव, एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करना, जो कि अचानक जो हमको फीलिंग्स होती है उसको जो जिस तरीके से हम व्यक्त करते हैं उसको जो है इंटरजेक्शन या विस्मयादि बोधक कहा जाता है। विस्मयादि बोधक या इंटरजेक्शन के जो एग्जाम्पल हैं वो हुर्रे, व्हाट, अलास, ब्रावो, वाव, हे, ओप्स, आ, ये सब जो है इंटरजेक्शन के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर देखिएगा जितने भी इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं उसके पीछे में क्या है, एक इस तरह का साइन लगा हुआ है जिसको जो है एक्सक्लेमेटरी साइन कहा जाता है। तो साफ सभी इंटरजेक्शन वर्ड्स के पीछे में एक एक्सक्लेमेटरी साइन ज़रूर लगा हुआ होता है। यहाँ पर जितने भी वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को आप लोग देखेंगे तो सभी के पीछे में क्या है, एक एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है जिसको भी देखकर हम जान सकते हैं कि ये वर्ड जो है इंटरजेक्शन वर्ड है। बच्चों अभी हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के आठों पार्ट्स के बारे में, उसका डेफिनेशन और उनके कुछ एग्जांपल वर्ड को जो है हमने देखा है। हमको जो है इन वर्ड्स को और इनके डेफिनेशन को हमको याद कर लेना है। क्लास जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ती जाएगी, हम क्लास फोर्थ, क्लास फाइव, क्लास सिक्स में जाते जाएंगे, इसके उपयोग को और अच्छे से सीखते जाएंगे। क्लास थर्ड में केवल उनके डेफिनेशन और उसके वर्ड्स का जो एग्जांपल है उसको हमको याद करना है। जब हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें इसका उपयोग थोड़ी सी है, तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो इसकी उपयोग हम आपको बताएंगे। तो अभी आपको जो है
इनके अपने बुक से इनके डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल को याद करना है। धन्यवाद।